पंडित मदन मोहन मालवीय। नादान मत बनो, जब घाव पर दवा लगेगी और जलन होने लगेगी तब वह कुत्ता पागल जैसा तुम पर झपट पड़ेगा। क्या पता वह पागल कुत्ता ही हो। एक कुत्ते की पीड़ा के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैजी, पीड़ा चाहे कुत्ते की हो या मनुष्य की, पीड़ा तो पीड़ा ही होती है ना। स्कूल जाते हुए रोज रोज राह में पड़े उस कुत्ते की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। आप कुछ दवा दे दीजिए ना। 8-10 वर्ष के उस बालक के स्वरों में करुणा थी। वैद्य जी पर भी उसकी करुणा भरी वाणी का प्रभाव पड़ा। वैद्य जी ने एक दवा देते हुए कहा, नीम के तेल में मिलाकर इस दवा को लगाने से बेहद जलन होगी, लेकिन एक बार लगाने के बाद ही घाव मुरझाने लगेगा और मक्खियां घाव पर नहीं बैठेंगी। बालक दवा लेकर चल पड़ा। कुत्ता मक्खियों के भय से एक झाड़ी में छिपकर कराह रहा था। वह छाया में लेटा था। बालक ने एक डंडा लिया, डंडे के अगले भाग में कपड़ा लपेटा, नीम के तेल में घुली मिली दवा को लेकर कपड़े को पूरी तरह तेल में भिगो दिया। चुपके से दूर से ही कुत्ते के घाव पर तेल चुपड़ी हुई दवा लगा दी। कुत्ता गुर्राया, भौंकने लगा, पीड़ा घटते ही शांत हो गया। इस तरह बालक ने 2 दिन तक दवा लगा लगा कर कुत्ते को पीड़ा से मुक्ति दिलाई। उसने वैद्य जी को भी सारी बात बता दी। वैद्य जी बालक की लगन देखकर मन ही मन सोचने लगे, गली में भटकते हुए एक कुत्ते के प्रति जो बालक इतना दयावान है, वह तो भविष्य में करुणा का अवतार बन जाएगा। निश्चय ही भविष्य में वह एक महान व्यक्ति बनेगा। वैद्य जी बालक को जानते थे। बालक आदर्श माता पिता की संतान था। पिता का नाम ब्रजनाथ चतुर्वेदी था। बालक का नाम मदन मोहन था। श्रीमद् भागवत कथा ही उनकी आजीविका का साधन थी। कथा सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। पिता पुत्र दोनों ने ही अभूतपूर्व कंठ स्वर पाया था। पिता वंशीवादन में निपुण थे। बालक ने छोटी अवस्था में ही सितार और एकतारा बजाना सीख लिया था। सूर, तुलसी, मीरा आदि के भजन उसे कंठस्थ थे। उसे पिता से धर्म, संस्कृति तथा शास्त्र वर्णित कथाओं की उत्तम शिक्षा मिली थी। परिवार राधा कृष्ण भक्त था। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही परिवार के लोगों को नित्य का भोजन परोसा जाता था। अतः बालक को रात की बची रोटी और मट्ठा खाकर ही स्कूल जाना पड़ता था। परिवार निर्धनता से जूझ रहा था। उनका एक छोटा सा घर था। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक थी। पाठशाला से लौटने पर पाठ अभ्यास के लिए बालक को सुविधा नहीं मिल पाती थी। बालक धुन का पक्का था। पड़ोस में एक बगीचा था। उस बगीचे में एक घर बना था। बालक का एक मित्र उसी घर में रहता था। दिन में दोनों मित्र उसी बगीचे में आम के पेड़ की छाया में विद्या अभ्यास किया करते थे। रात्रि में भी वह उसी मित्र की लालटेन की रोशनी में पढ़ा करता था। पास ही एक अखाड़ा था। बालक नियमित व्यायाम के लिए अखाड़े में जाया करता था। प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज से उसने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसकी निकटता एक अध्यापक से हो गई। अध्यापक का नाम था महामहोपाध्याय पंडित आदित्य राम। उनके मार्गदर्शन में उसने एक संस्था की स्थापना की, हिंदू समाज। संस्था के कार्यक्रमों में दीन दुखियों की सहायता, सुविधा वंचित लोगों की शिक्षा, रात्रि पाठशाला आदि सम्मिलित थी। अध्यापक उसकी लगन देखकर कहा करते थे, इस युवक में सिर से पैर तक हृदय ही हृदय है। दूसरों का दुख देखकर इसका हृदय करुणा से भर उठता है। धुन का पक्का है, लगन का सच्चा है। एक दिन निश्चय ही यह भारत की आत्मा बनकर उभरेगा। अध्यापकों और वैद्य जी की बातें सत्य सिद्ध हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से यही बालक विश्व प्रसिद्ध हुआ। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
मालवीय जी की गुण गरिमाओं से पूर्ण रूपेण अलंकृत है। बचपन से यौवन तक और यौवन से वृद्धावस्था तक राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा और पर पीड़ा मोचन का प्रवाह उनके हृदय में गंगा जल के समान प्रवाहित होता रहा।